हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपके फ़ोन में रेडमी के फ़ोन में एसडी कार्ड यहाँ पे नहीं बता रहा है, आप लोग अपने फ़ोन में एसडी कार्ड लगाते हैं बट वो यहाँ पे शो नहीं करता है, तो इस प्रॉब्लम को आप लोग यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए गाइज़ मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले गाइज़ यहाँ पे आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो जब भी आप लोग एसडी कार्ड लगा रहे हैं तो उसको अच्छे से आपको लगाना है। तो आप लोग एक बार अपने फ़ोन में एसडी कार्ड को बाहर निकालिए और दोबारा से उसको अच्छे से लगाइए। ओके, तो आप लोग जो है दोबारा से लगाएंगे तो उसके बाद यहाँ पे आपके फ़ोन पर वो जो एसडी कार्ड है वो यहाँ पे आपको दिखाने लगेगा। बट अगर फिर भी यहाँ पे नहीं दिखा रहा है तो आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आप लोगों को अपने फ़ोन में सेटिंग को ओपन करना है। सेटिंग को ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको सर्च बार पे लिखना है, यहाँ पे आपको स्टोरेज लिखना है। इस तरीके से आप लोग जो है स्टोरेज लिखिए, उसके बाद यहाँ पे आपको स्टोरेज टाइप पे क्लिक करना है, सॉरी यहाँ पे क्लिक नहीं करना है, यहाँ पे आपको यहाँ पे आप लोग स्टोरेज लिखेंगे तो यहाँ पे आपके सामने एक ऑप्शन आएगा अनमाउंट शेयर्ड स्टोरेज का, तो आप लोगों को यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको स्टोरेज पे क्लिक करना है, उसके बाद दोस्तों आपको ऊपर की ओर स्लाइड करनी है इस तरीके से। उसके बाद दोस्तों आपके फ़ोन पर ये जो ऑप्शन आ रहा है अनमाउंट एसडी कार्ड का, तो वहाँ पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आपका जो एसडी कार्ड है वो अनमाउंट सक्सेसफुली हो जाएगा। तो उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको माउंट एसडी कार्ड का ऑप्शन आता है तो यहाँ पे क्लिक करना है और माउंट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग यहाँ पे माउंट पे क्लिक करेंगे तो गाइज़ यहाँ पे आपका जो एसडी कार्ड का स्टोरेज है वो यहाँ पे आपको दिखाने लगेगा। तो उसके बाद दोस्तों आपके फ़ोन में एसडी कार्ड जो है शो होने लगेगा। तो इस तरीके से गाइज़ यहाँ पे आप लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।